गुड मॉर्निंग। एलिगेशन में आज उस सवाल को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जिसमें से किसी चीज का मिश्रण देकर के एक का परसेंटेज देता है और उसी का परसेंटेज फिर चेंज करता है। ध्यान रखिएगा क्या बोला उसने कि अल्कोहल और पानी 70 लीटर है मिश्रण, लेकिन सिर्फ 10% पानी है। इसमें कितना पानी और डालेंगे, अब परसेंटेज 25% हो जाए। मतलब पहले परसेंट 10 था, उसी को बनाना है हमको 25%। इसमें अब आपको इसको कैसे बनाना है, तो इसको हम लोग दो तरीके से देखेंगे। एक इसको रेशियो में चेंज करेंगे और दूसरा बेसिक से देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा बेसिक से समझ लीजिएगा। बेसिक में ध्यान रखिएगा कि सेपरेट कर दीजिएगा, मिश्रण को अलग कर दीजिएगा। जैसे पानी कितना है और अल्कोहल कितना है, दूध कितना है, पानी कितना है, ये सब अलग कर दीजिएगा हमेशा हमेशा। तो आइए पहले अल्कोहल और पानी के 70 लीटर मिश्रण में 10% पानी। तो ये देखिएगा लिखने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि हमको साफ मालूम है कि 70 का जो 10% होता है वो 7 लीटर होता है। तो ये लिखना नहीं है लेकिन बेसिक क्लास है इसलिए पढ़ना जरूरी है इसको। तो पानी अगर 7 लीटर है तो अल्कोहल कितना होगा, 70 में से 7 गया कितना, 63 लीटर। अब आपको क्या करना है कि ठीक उसी तरह से लिखना है जैसे ये दिया गया है, यानी पहले अल्कोहल दिया हुआ था तो आप अल्कोहल लिखेंगे और उसके बाद पानी दिया हुआ था तो आप पानी लिखेंगे। अब देखेंगे कि आप गौर से कि अल्कोहल आपके पास 63 लीटर है और पानी आपके पास 7 लीटर है। जो मिलाइएगा वही बढ़ेगा, जो निकालिएगा वही घटेगा। तो आप पानी मिलाना चाहते हैं तो आपका पानी बढ़ेगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि पानी कहाँ है अल्कोहल कहाँ है, उसका परसेंटेज ठीक उसी के सामने जाना चाहिए। अल्कोहल और पानी, पानी कितना मिला है, मान लेते हैं एक्स मिलाते हैं, मान लेते हैं एक्स लीटर पानी मिलाएंगे, लेकिन जैसे ही एक्स लीटर पानी मिलाएंगे इसकी मात्रा, किसकी मात्रा, पानी का मात्रा 25% होना चाहिए। तो ये पानी है तो पानी के सामने पानी लिखाना चाहिए और अल्कोहल के सामने अल्कोहल लिखाना चाहिए। तो ये पानी अगर 25% है तो पानी 25 से लिखाएगा। अब आपको मालूम है कि मिश्रण दो चीज से बना हुआ है, एक अल्कोहल और एक पानी, और पूरा 100% होता है। परसेंट में टोटल कितना होता है, 100। परसेंट में टोटल 100 होता है, 100 में 25% पानी है तो अल्कोहल कितना हुआ, 75%। तो अल्कोहल के सामने अल्कोहल, 25 दिया 75, 3 से 21 दिया 63, 7 ऊपर घटिएगा ना जाएगा, 7 घटेगा कितना है 14। लेकिन आप लिख दीजिए 21 बराबर 7 प्लस x, प्लस है इधर आकर के माइनस, x बराबर 14 लीटर अगर हम इसमें पानी मिला देंगे तो जो चीज 10% है वो 25% बन जाएगा। अब आते हैं इसको रेशियो में चेंज करेंगे क्योंकि आगे जो सवाल वो रेशियो में खुद दे देगा। तो पहला ध्यान रखिएगा कि पहला चीज तो यही है कि आपको इसको सेपरेट कर देना है, दूध पानी अल्कोहल पानी जो भी आपको दिया जाएगा उसको आप अलग करके देख लीजिएगा कौन कितना है। तो 70 लीटर में 10% आपका पानी है, तो 10% मतलब 7 लीटर पानी है, तो 7 पानी है तो 63 आपका अल्कोहल। अब अल्कोहल बटा पानी लिखे, 63 बटा 7 लिखे, जो मिलाएंगे वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर 7 पानी है तो पानी में ही हम जब मिलाएंगे तो यहाँ पर x मिलेगा और x हम मिलाए तो यहाँ पर बढ़ गया। अब जब ये बढ़ा तो पानी का परसेंटेज हम देखेंगे क्यों 25% हो रहा है, तो पानी 25 है तो अल्कोहल 75 हो जाएगा क्योंकि दोनों मिलाकर के 100% होना चाहिए, काटे x का मान 14 आ गया। अब आइए इसको थोड़ा सा देखते हैं रेशियो के हिसाब से। रेशियो में देखिएगा तो कैसे सोचना है हमें और क्या सोच सकते हैं, इस जगह सोच पाएंगे कि 7 लीटर का मतलब 70 में 10% का मतलब 7 लीटर साफ दिख रहा है। अल्कोहल आया 63 लीटर और पानी आया 7 लीटर, अल्कोहल और ये पानी अगर मैं काट दूं तो रेशियो बन जाएगा, तो 7 एकम 7 और 7 नवा 63, 9 रेशियो 1 में है। अभी हम इस बात को ही कह सकते हैं आने वाला समय में कितना पानी मिला है, आने वाला समय में कितना पानी मिला है कि यह पानी 25% हो जाए। तो पानी के सामने पानी, तो पानी अगर 25% तो अल्कोहल 75% काटेंगे तो 3:3। इसका मतलब हुआ कि ये वाला था 9:9 में। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए क्योंकि ऐसा सवाल आप ओरली भी कर सकते हैं आने वाला समय में, पहले समझ लीजिए। ये अभी शुरुआत में था 9:1, आने वाला समय में बनने वाला है 3:1। आपको कभी ना कभी ये बात समझाए होंगे कि आप पानी मिलाइएगा तो पानी बढ़ेगा, अल्कोहल मिलाइएगा तो अल्कोहल बढ़ेगा, पानी निकालिएगा तो पानी कम होगा, अल्कोहल निकालिएगा तो अल्कोहल कम होगा। अब अगर मैं इसमें पानी मिलाऊंगा तो अल्कोहल पर कोई फर्क पड़ेगा,
बड़ी, हाँ या ना? नहीं फर्क पड़ेगा। तो अल्कोहल पर अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका क्या नाम है कि अल्कोहल है और ये वाला पानी। अल्कोहल पहले 9, अब अल्कोहल 3, पानी पहले 1, अब पानी 1, ये तो जस्ट उल्टा है, उल्टा है, यही बैलेंस करना होगा। और बहुत सारे सवाल में आपको सीधा दे देगा जिसको आप ओरली देख के बना सकते हैं। तब आपको क्या, आपको मालूम चल गया कि जो मैं मिलाऊंगा वो बढ़ेगा, जो मैं निकालूंगा वो घट जाएगा। तो मैं यहाँ पर पानी मिलाया हूँ तो पानी बढ़ना चाहिए, अल्कोहल नहीं मिलाया हूँ तो अल्कोहल सेम रहना चाहिए। तो अल्कोहल सेम रहने का क्या मतलब है कि अल्कोहल पहले 9 था, अभी भी अल्कोहल कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो इसको हम 9 बनाएंगे। 9 बनाने के लिए कितना से गुना करें, तो इधर 3 से गुना किए हैं तो इधर भी क्या हो जाएगा, 3 से, ये 9 बन गया। तो ये 9 बन गया, ये कितना बन गया, 3 बन गया। पहले अल्कोहल कितना था, 9, अब अल्कोहल कितना है, 9, अल्कोहल मिलाए नहीं है। पहले पानी कितना था, 1, अब पानी कितना हो गया, 3, हाँ पानी मिलाए हैं, तो पानी मिलाए हैं तो पानी बढ़ना भी चाहिए। तो पानी बढ़ गया, मेरे पास 2 रेशियो, पानी बढ़ गया 2 रेशियो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि पहले अल्कोहल, अरे बाद में मिटाना जी, पहले अल्कोहल और पानी यहाँ पर दिया हुआ है। तो पहले और अभी में देखिएगा तो टोटल कितना रेशियो है, टोटल कितना है, 10। तो 10 रेशियो का वैल्यू कितना था, 70 लीटर। तो आप कह सकते हैं कि 10 रेशियो का वैल्यू 70 लीटर, तो 1 रेशियो का वैल्यू 60 लीटर। तो बदलाव कितना में हुआ है, 2 रेशियो का। तो 2 रेशियो का वैल्यू 7 गुना के 14 लीटर। अब आपको ये लगा होगा कि यही तो आसान था, तो ऐसी बात नहीं है। ये आपको इसलिए सीखना है क्योंकि इसको आप मन में भी कर सकते हैं। अब देखिएगा मन में कैसे करेंगे, ये तो सब कुछ लिखना था इसलिए हमको हर एक चीज को समझाना पड़ा, एग्जाम में कैसे बनेगा। और इसका फायदा आपको आगे आने वाला क्वेश्चन में मिलेगा जिसमें आपको यहाँ बैलेंस करना पड़ा, बहुत जगह बैलेंस नहीं करना पड़ेगा, आप सीधे देख के बना सकते हैं, इससे पहले बन जाएगा। अब आप देखिएगा, 7 लीटर में 10 मतलब 70 में 10% पानी है यानी 7, तो 63, तो 7 और 63 का मतलब हुआ 7 एकम 7 और 7 नवा 63, 9 रेशियो 1, 9 और 1 10, 10 का वैल्यू 70 लीटर, 1 का वैल्यू 7 लीटर। तो 1 का वैल्यू हम इधर 7 लीटर भी लिख दिए। आने वाला समय में पानी 25% यानी 75% अल्कोहल, 75 और 25 को काटेंगे 3:1, तो 3 नहीं बल्कि 9 चाहिए था, तो 3 × 9, तो 3 एकम 3, बदलाव 2 रेशियो में, 1 का वैल्यू 7 लीटर, 2 का वैल्यू 7 गुना के 14 लीटर। आपको बनाना ऐसे होगा और आपसे बन भी जाएगा ऐसे, लेकिन शुरुआती में से ये बात आपको समझना पड़ेगा ना कि कैसे कैसे क्या होता है। तो एक बार फिर से लिखिएगा, मैंने यहाँ से निकाल लिया कि 70 लीटर पूरा था, 70 लीटर में 10% पानी था, तो 10% का मतलब 7 लीटर पानी था, तो 7 लीटर पानी था तो 63 लीटर अल्कोहल होगा। अगर काट देते तो ये 9 रेशियो 1 बनता। अब 9 में से 9 और 1 10 का वैल्यू 70 लीटर, 1 का वैल्यू 7 लीटर। अब यहाँ पर आ जाते हैं, पानी 25 तो 75 अल्कोहल, काटेंगे तो 3 रेशियो 1, पहले अल्कोहल 9 था पानी 1 था, अब अल्कोहल 3 है पानी 1 है, जबकि बदलाव किए हैं अल्कोहल में, नहीं बदलाव किए हैं पानी में, तो सिर्फ पानी बदलना चाहिए अल्कोहल में। अल्कोहल को 9 बनाने के लिए 3 से गुना किए, तो 3 से यहाँ किए तो 3 से यहाँ भी कर लिए। अब ये 9 बन गया और ये 3 रहा, पहले 1 रेशियो में था अब 3 रेशियो में था, 2 रेशियो में बदलाव हुआ। तो पहले यहाँ से देखेंगे कि 10 रेशियो का वैल्यू 70 लीटर, 1 रेशियो का वैल्यू 7 लीटर, तो 2 रेशियो का वैल्यू 7 गुना के 14 लीटर। अब आप बढ़िया सवाल बना सकते हैं। देखिए अभी जो सेकेंड मेथड बताया उसका कितना फायदा मिलेगा ये देखिएगा, 729 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 7:9, अल्कोहल 7 है पानी 2 है, तो 7 और 2 9, कुल मिला के कितना है 9, यहाँ कुल मिला के 9 है और यहाँ कुल मिला के 729 है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 9:72, 1 रेशियो का वैल्यू कितना है 81। अब देखिएगा, इसीलिए हम बताए थे कि इस मेथड को जानना क्यों जरूरी था। देखिए यहाँ पे इसमें देखिए तो इसमें कितना पानी और डाल दिया जाए कि नए मिश्रण में यह अनुपात 7:3 हो जाए। तो अब मुझे बताइए इसमें हम मिलाए क्या है, क्या मिलाए हैं इसमें, पानी मिलाए, तो पानी मिलाए तो रेशियो किसका बदलना चाहिए, अल्कोहल का बदलना चाहिए, नहीं। तो इसमें देखिए नहीं बदला, पहले 7 अल्कोहल था अभी भी अल्कोहल 7 है,
पहले पानी दो था, अब पानी तीन है। बदलाव कितना में हुआ? एक रेशियो का वैल्यू कितना है? 81 लीटर। आप ये भी नहीं लिखते तो भी ओरली हो जाता, ये फायदा था इस मेथड का। इसलिए मैंने बोला था कि आप इसको जरूर सीखिएगा, बाकी आप बेसिक से फिर आप इसको बना सकते हैं और मैं इसको फिर से बना भी देता। तो मैंने कहा था कि जो चीज इसमें मिलाऊंगा वो बदलेगा, जो चीज निकालूंगा उसमें बदलेगा, लेकिन दूसरा में कोई बदलाव होगा नहीं। तो पहले अल्कोहल 7 था, अब पानी मतलब पहले पानी अल्कोहल 7 और पानी 2, आने वाला समय में अल्कोहल 7 लेकिन पानी 3, बदलाव आया 1 रेशियो का। तो शुरू में ये कितना था? तो 7 और 2 9 था, और 9 का वैल्यू 729 लीटर था, 1 का वैल्यू 81 लीटर था। बदलाव होने में 1 रेशियो आया और 1 रेशियो का वैल्यू 81 लीटर आया। अब आप इसको बेसिक से देखेंगे तो थोड़ा सा इसको लिखना पड़ेगा, लेकिन उसको भी हम लोग देखेंगे। अब बेसिक पर आइए, बेसिक के लिए क्या है? तो ये है अल्कोहल और ये है पानी, ये है 7:2, 7:2। देखिए कुल मिला के कितना है? 9। वहां कुल मिला के कितना है? 729। एक रेशियो का वैल्यू कितना है? 81। तो दो रेशियो का वैल्यू 162। 7 रेशियो का वैल्यू 7 × 7 = 56। तो मैंने यही बोला था कि बेसिक से जब बनाइएगा तो दोनों अलग अलग दिखना चाहिए कि कौन कितना है। तो देखिएगा बेसिक में क्या है कि अल्कोहल पता चल गया कि 567 लीटर था और पानी पता चल गया 162 लीटर था। तो मैंने कहा था कि जो जैसे देगा पहले उसी को वैसी लिखना है, अल्कोहल बटा पानी। अल्कोहल है मेरे पास 567 लीटर और पानी है मेरे पास 162 लीटर, जो मिलाऊंगा वही केवल बढ़ेगा। तो पानी मिलाना है, तो पानी मिलाना है तो मान लेते पानी x मिलाएंगे, और जैसे ही x मिलाएंगे यह रेशियो बदल जाएगा 7:3। अब 7 से ही काट सकते हैं कि 7 × 8 = 56, 7 × 7 = 7, तिरछा तिरछी गुना, तो 3 × 3 और 3 × 8 = 24, और ये रहा आपका 162 प्लस x, प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया? 81 लीटर। तो फिर आपको बेसिक से इसे बनाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बताया था कि कहीं पर तो हो सकता है बैलेंस करने में थोड़ा सा मुश्किल हो, लेकिन बहुत सारे सवाल आपको ऐसे एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाते हैं जिसके रेशियो में ये वाला चीज छेड़छाड़ नहीं करता है, सिर्फ वो वाला देता है। जैसे देखिए अल्कोहल नहीं मिलाया तो अल्कोहल जो था वही रख दिया, पानी मिलाया पानी में बदलाव कर दिया, पानी 2 से 3 कर दिया, 1 में बदलाव हुआ था। तो 1 का मतलब क्या था? 7 × 9 का मतलब 729, 1 का मतलब 81। तो 1 रेशियो में बदलाव हुआ, 1 रेशियो मान देंगे आंसर। अब इस मेथड से तो हम ओरली नहीं बना सकते, ये ध्यान रखिएगा, इसीलिए आपको ये वाला सीखना बेहद जरूरी है। थोड़ा सा टफ कहाँ पड़ सकता है? जहाँ अनबैलेंस्ड हो जाए। तो आपको बैलेंस करने के लिए क्या करना है कि इन दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए आपको मालूम ही है कि बराबर करने के लिए एलसीएम निकाला जाता है, एलसीएम निकाल करके हम बराबर कर देंगे, आराम से हो जाएगा। देखिए इस बार क्या है ना कि इस बार पानी उड़ा देना है या पानी निकाल देना है। इस बार अभी तक हम लोग मिला रहे थे, अब पानी निकालेंगे। चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 20% चीनी है, घोल को गर्म करके कितना पानी वाष्पित कर दे, वाष्पित मतलब उड़ा देना, वेपोराइज कर देना, ताकि शेष घोल में चीनी की मात्रा 25% हो जाए। अब थोड़ा सा समझ के इस सवाल को बनाइएगा। देखिए दिया है परसेंटेज चीनी का, उड़ा रहा है पानी, और फिर परसेंटेज दे रहा है चीनी का। यही बातवा अगर छोटा मोटा चीज बैलेंस करने सीख रहे हैं, सीख लिए हैं, तो बड़ा बड़ा सवाल में फिर आपको दिक्कत पूरा खत्म हो जाएगा। पहले बेसिक से देख लेते हैं। तो बेसिक में आपको पता ही है कि पहले देख लीजिए कि सब अलग अलग है कितना, चीनी कितना पानी कितना। तो देखिए तो चीनी 25 लीटर में कितना परसेंट है? 20%। 20% मतलब 20/100 कितना है? 5 लीटर की केजी। बोलिए कुछ पता नहीं, देखिए ना लीटर की केजी। देखिए पहली बात कि चीनी होता जरूर केजी में है, लेकिन यहाँ शरबत है, अब घोल बन चुका है। खैर बहस का मुद्दा नहीं है, लेकिन ऐसे ही बोल रहा था। आप यहाँ केजी भी लिख सकते हैं तो उसको खड़ा मानना है, लीटर लिख देंगे तो मान लेंगे कि घुल गया है पूरा। चलिए तो चीनी कितना आया? 5। तो पानी कितना आएगा? 25 पूरा था, 25 में से 5 गया, कितना? 20। ये देखिए मजबूरी में लिखता हूँ ना, ये सब लिखाता नहीं तो ओरली ऐसी हो जाता।
अब देखना यह है कि हमको क्या करना है कि हमारे पास पहले चीनी का नाम लिया है, तो आपको लिखना है चीनी और फिर लिखना है पानी। चीनी देखिए तो चीनी कितना है, चीनी 5 है, और फिर पानी कितना है 20। यहाँ पर क्या है कि घोल को गर्म करना है और कितना पानी वाष्पित कर दें ताकि शेष घोल में चीनी की मात्रा 25% हो जाए। तो देखिएगा चीनी अभी मेरे पास कितना है 5, पानी कितना है 20। जो निकालेंगे वही ना निकलेगा, तो यहाँ से पानी उड़ाना है तो पानी निकालिए। मान लेते हैं कि यहाँ से हम कितना लीटर निकालेंगे, x लीटर। पानी निकाल करके चीनी की बात कर रहा है, तो आपको अभी तुरंत मैंने बताया कि बेसिक में चीनी के सामने चीनी और पानी के सामने पानी का परसेंटेज लिखिएगा। तो आपको बोलता है कि चीनी का मात्रा 25% हो जाए, चीनी देखिएगा उड़ा रहे हैं पानी और आपसे अब चीनी की बात कर रहे थे, चीनी ऊपर है तो चीनी के सामने चीनी का परसेंट लिखाना चाहिए। तो चीनी का परसेंट कितना होना चाहिए 25। तो दो चीज का घोल है, दो में टोटल 100 होता है, 100 में 25% चीनी है तो 75% पानी। अब कटा दी कितना आ गया, 5 दिया 15, 20 में से 15 गया 5, तो हम कह सकते हैं कि 5 लीटर था। फिलहाल लिख देते हैं 5 बराबर 20 माइनस एक्स प्लस इधर आकर के माइनस 5 बराबर माइनस है, माइनस माइनस खत्म। एक्स लीटर, एक्स का मान 5 लीटर, 5 लीटर पानी हमको यहाँ से क्या करना होगा, वाष्पित करना होगा। अब आते हैं इसको, फिर हम ये भी बता देंगे कि एग्जाम में कैसे, अगर इसी मेथड से बनाए तो एग्जाम में कैसे बनाते हैं। तो पहले सुन लीजिए इन्हीं को, उसके बाद फिर रेशियो में आते हैं। चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 20%, 20% माने 1/5, 1/5 माने 50, 25 का 5, 5 लीटर अगर चीनी है तो 20 पानी है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि घोल को गर्म करके वाष्पित कर दें, तो फिर इस चीनी की मात्रा इतना था, चीनी 5 है पानी 20 है, यहाँ से निकालना चाहते हैं लेकिन 25 ये करना है, तो 25 अगर ये है तो हमारे पास 75 हमारे पास क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा, जिसका मतलब 5 दिया 15, 20 में से 15 गया, आंसर आ गया 5। इससे बेसी नहीं लिखाएगा लेकिन मजबूरी रहता है कि हर एक चीज समझाना पड़ेगा। अब आइए इसको हम लोग क्या करेंगे, रेशियो के हिसाब से सोचते हैं। 25 टोटल था, 20% चीनी, तो चीनी और पानी लिखिए, ऐसे लिखिए चीनी और पानी। चीनी कितना है 20%, तो अभी पानी कितना होगा जी 80%। अगर काटेंगे तो कौन सा रेशियो बनेगा, 1:4। ठीक है, आने वाला समय की बात कर रहा है जिसमें चीनी बोल रहा है, चीनी वाला बोल रहा है कि चीनी होना चाहिए कितना 25। तो चीनी अगर 25% होगा तो पानी कितना होगा 75%। कौन सा रेशियो बनेगा, 1:3। इसका मतलब 1:3। अब हमको मालूम है कि जो हम निकालेंगे वही बढ़ेगा या घटेगा, चीनी में कोई है दिक्कत, पहले एक था अभी भी एक है, पानी पहले 4 था एक अब 3 बचा है क्योंकि उड़ा दिए थे। तो देखेंगे हम कि टोटल कितना है, तो 4 और 1 5 है, 5 का वैल्यू 25 है, तो 5 का वैल्यू अगर 25 है तो 1 का वैल्यू कितना है 5 है। कितना रेशियो बदला हुआ है, एक रेशियो में से एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 5 लीटर आ गया, आंसर आ गया। तो हर चीज आप समझिएगा, बड़ा बड़ा क्वेश्चन में बड़ा काम करेगा, जैसे आगे देने जा रहा हूँ अभी। ये सवाल मेंस में बढ़िया से पूछा जाता है, खैर आपको पता ही है कि अब आपको ग्रुप डी और एसएससी जीडी में भी ये सवाल मिलेगा आपको। एग्जाम का लेवल इसको अब हाई कहिए या गिर जाना कहिए, जो कहिए। एक बात मैं पीछे बताया था, थोड़ा बोलिएगा अगर याद होगा आपको, तो कोई स्पेशल चीज मिलाएंगे तो बढ़ेगा कि नहीं, बढ़ेगा, निकालेंगे तो घटेगा, लेकिन अगर मिश्रण निकाल दें, जैसे जो चीज का दो चीज का मिलन है उसमें दूध और पानी है, वहीं से पूरे निकाल दिए, पता नहीं कौन कितना निकालेगा। अब बताइए उसका रेशियो बदलाव होगा कि नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, बस यही याद रखिएगा, मेन पॉइंट है कि अगर किसी भी मिश्रण से पूरा मिश्रण निकाल दिए तो जो भी रेशियो था वही रह ही जाएगा, या फिर अगर मिश्रण डाल दिए तो जो रेशियो था वही रह जाएगा। मिश्रण निकालने से या मिश्रण डालने से कोई भी उसके रेशियो में बदलाव नहीं होता है, लेकिन जब स्पेशल चीज कुछ निकाला जाए या स्पेशल चीज कुछ उसमें मिलाया जाए तो उसके रेशियो बदल जाते हैं। तो यहां पर अब मैं आपको अपना लैंग्वेज में पढ़ता हूं ताकि बात आप समझें।
एक बर्तन में दो लिक्विड है जिसका नाम है दूध और पानी। तो दूध और पानी आप इस लैंग्वेज को पढ़िएगा, लेकिन हम आपको अपना हिसाब से बताना चाह रहे हैं कि इसमें दूध और पानी का जो अनुपात है वो 7:5 है। इसमें 9 लीटर मिश्रण निकालेंगे और उसके स्थान पर पानी भर देंगे, 9 लीटर पानी भर देंगे, तब उसके बाद जो अनुपात है वो 7:9 होगा। तो प्रारंभ के बर्तन में दूध की मात्रा कितनी लीटर थी, ये हुआ लैंग्वेज चेंज के हिसाब से। यहाँ थोड़ा वो ए और बी कर दिया था, इसीलिए मैंने सोचा कि दूध और पानी के हिसाब से ही मैं आपको बता दूं। अब बताइएगा कि इस पहली बात तो एग्जाम में अगर मुझे बनाना होता तो दूध 7 रेशियो में है, आने वाला में भी दूध 7 रेशियो में ही है, तो आंसर भी मेरा 7 के रेशियो में जाएगा। 7×21 और तो कोई कटने लायक है नहीं, देखिए 7 से कटेगा कोई नहीं कटेगा, तो आंसर तो मेरा हो गया एग्जाम के हिसाब से, क्योंकि ये 7 था अभी भी 7 है, तो एग्जाम आंसर जो भी रहा होगा वो 7 के रेशियो में ही जाएगा। और इसी का नाम तो इस सवाल में ए बोल रहा है, तो ए ही ना पूछा गया है, तो ए 7 रेशियो में था और ए पूछा भी गया है, तो 7 का मल्टीपल जो भी होगा वो मेरा आंसर हो गया, 21 लीटर हो गया। अब बनाएंगे कैसे, तो बनाना ऐसे है कि ये रहा मेरे पास ए और ये रहा बी, पहले था 7:5 में और आने वाला समय में हो गया 7:9 में। शुरू में मिश्रण निकाले मतलब दोनों निकाले, और दोनों निकालेंगे तो रेशियो में हम पढ़े हैं कि रेशियो में कोई बदलाव होता ही नहीं, तो ठीक है यहाँ से बदलाव नहीं हुआ, यानी पहले जो रेशियो था वही रेशियो रह गया, लेकिन कोई स्पेशल चीज मिलाएंगे तो रेशियो तो बदल जाएगा। तो मैंने क्या किया कि बी को 9 लीटर बी भर दिया, बी का मतलब ये वाला, तो जब ये वाला स्पेशल चीज भरे तो इसके रेशियो में बदलाव होगा, तो इसके रेशियो में बदलाव हो चुका है। अब इसके रेशियो में पहले 5 था, अब कितना है 9 है, तो रेशियो में कितना चेंज आया 4। अब आते हैं बनेगा किस, तो बनाना आपको पड़ेगा क्योंकि अभी 4, अब 4 का जो वैल्यू है वह यहाँ रेशियो में तो बदलाव हुआ, कितना रेशियो में 4 रेशियो में, किसके कारण 9 लीटर के कारण, तो 4 रेशियो का वैल्यू 9 लीटर, तो 1 रेशियो का वैल्यू 9/4 लीटर। अब बढ़िया से समझ लीजिएगा, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं। फिर मैं एक बात और समझाया था कि जब कभी भी देखिएगा यहाँ और यहाँ मात्रा सेम है, मात्रा क्वांटिटी सेम है, चाहे जितना भी रहा होगा ये रहा होगा, रेशियो अलग मैटर है कि आपको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन क्वांटिटी सेम होता है। लेकिन जब मैंने बोला था कि मैं यहां से निकाल कर किस में डाल रहा हूं या यहां से निकाल कर किस में, तो लास्ट में जो बदलाव होगा वो ये बता पाएगा कि ये बदलाव कौन बताएगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला। तो याद रखना है जब भी रेशियो में बैलेंस करना पड़े, जैसे देखिए कब क्यों बैलेंस करना पड़ रहा है, क्योंकि इसमें क्वांटिटी टोटल कितना था ये मालूम नहीं, अगर रहता तो पहले जैसे बनाए थे वैसे ही बना लेते, कोई चक्कर था ही नहीं, कोई दिक्कत होता ही नहीं। तो ये याद रखिएगा कि मात्रा दोनों में है सेम, लेकिन दोनों पर डायरेक्ट बैलेंस नहीं कर सकते, जब भी बैलेंस करना होगा नीचे वाला रेशियो से आपको बैलेंस करना होगा। तो देखिए तो नीचे वाला टोटल रेशियो कितना है, तो 1 रेशियो का वैल्यू 9/4 लीटर, तो 16 रेशियो का वैल्यू, गुना 16 कर दीजिए, 9 चौका, तो मैंने कहा कि क्वांटिटी तो सेम है क्योंकि इसमें से 9 निकला है 9 आया है, तो दोनों मिलाएंगे तो 9 यहां से निकला था 9 आया, तो बतवा तो वही ना रह गया। तो जब बात वही रह गया, जैसे मान लीजिए देखिएगा ना 40 लीटर पूरा मिश्रण था, इसमें से मैंने 4 लीटर मिश्रण निकाला और सिर्फ 4 लीटर पानी डाला, तो 4 निकाले तो 36 बचा, लेकिन 4 पानी डाले तो फिर चल से ना हो गया, तो इसलिए मात्रा दोनों का क्या रह गया सेम, लेकिन रेशियो बदला है। और जब भी रेशियो का बैलेंस करिएगा नीचे वाला के साथ बैलेंस करिएगा, तो मैंने क्या किया कि बदलाव हुआ 4 रेशियो में, 4 का वैल्यू 9, 1 रेशियो का वैल्यू 9/4, तो 16 रेशियो का वैल्यू कितना, गुना कर दिया तो 36 लीटर। अब इसका मतलब हुआ था कि अगर ये 36 लीटर है तो ये भी कई लीटर होगा, 36 होगा, तो अब ये कई रेशियो में है टोटल 7/5 12 रेशियो में, तो आपको लिखना है कि ये भी 36 लीटर है समझने के लिए, और ये भी 36 लीटर, लेकिन रेशियो में चेंज हो रहा है, तो 12 या कुल मिला के 12 रेशियो है, 12 रेशियो का वैल्यू 36 लीटर,
एक रेशियो का वैल्यू 3 लीटर, तो 7 का पूछा था आपसे, तो एक रेशियो का वैल्यू 3 लीटर, तो 7 रेशियो का वैल्यू 7 3 21 लीटर। अब इस बात को याद रखिएगा क्योंकि आगे एक और सवाल देंगे जिसमें आपको सेम लॉजिक काम करेगा। एग्जाम में बनाने के लिए 7 7 7 7 का मल्टीपल है, इस आंसर खत्म। लेकिन इसको बढ़िया से जानने के लिए ध्यान रखना है कि पहली इसमें ढेर सारी बातें हैं, जो जो बोला हूं सब एक नियम है, वो आपको याद रखना है। मिश्रण निकालेंगे, रेशियो में कोई बदलाव नहीं। मिश्रण डालेंगे, रेशियो में कोई बदलाव नहीं। स्पेशल चीज मिलाएंगे, रेशियो बदल जाएगा। इसमें बी मिला दिए थे, इसका रेशियो चेंज हो गया। अब इसका रेशियो कितना चेंज हुआ, 4। किसके वजह से? 9 लीटर के वजह से। 4 का वैल्यू 9 लीटर, 1 का वैल्यू 9/4 लीटर। तो कुल कितना है ये जानने के लिए यहाँ नहीं बल्कि यहाँ से, तो 9 4 16, तो 1 रेशियो का वैल्यू इतना लीटर, तो 16 रेशियो का वैल्यू पता चल गया 36 लीटर है। अब अगर ये 36 लीटर ही है तो 36 ई भी है, तो अब ई टोटल कितना है, तो 7 और 5 12, तो 12 का वैल्यू 36 लीटर, 1 का वैल्यू 3 लीटर, तो 7 का वैल्यू 7 3 21 लीटर। आंसर ऑप्शन बी। एक बर्तन में एक द्रव्य भरा है जी, जिसमें 3 भाग पानी और 5 भाग सीरा है। इसमें से कितना मिश्रण निकाल रहे, ध्यान से, कोई सेपरेट चीज नहीं निकलवा रहा है, मिश्रण यानी दोनों निकलवा दिया। तो हमें मालूम है कि अगर आप दोनों निकालिएगा तो रेशियो में कोई चेंज नहीं होता है। तो पहले पानी लिखा, फिर लिखा सीरा, तो पानी था इसके पास 3 भाग और सीरा था इसके पास 5 भाग। तो आप निकाले हैं मिश्रण, और मिश्रण निकालने से रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता है। अब आप क्या कर रहे हैं कि उसमें से मिश्रण निकाल कर कितना निकालना है यही पूछ रहा है, कितना निकालिएगा, और उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दीजिएगा। निकालेंगे दोनों लेकिन भरेंगे सिर्फ पानी, तो बदलाव किसमें होगा, पानी में, तो सिर्फ पानी में। तो पानी की उतना ही पानी भर दें कि आने वाला समय में आधा पानी और आधा सीरा होगा। तो आधा आधा का मतलब बोल चुका हूँ बराबर, और बराबर का मतलब भी बता चुका हूँ 1:1। अब अभी तुरंत मैंने बोला है कि अगर जो चीज हम मिलाएंगे सिर्फ वही वही रेशियो में चेंज होना चाहिए। आप यहाँ पर क्या मिलाए हैं, पानी, तो पानी ना केवल बदलना चाहिए था, बदल क्या गया, सीरा भी। तो अभी इससे पीछे क्या किए थे, बैलेंस किए थे, तो यहाँ भी बैलेंस करेंगे। तो सीरा को बना दीजिए 5, तो 5 बनाने के लिए 5 से गुना, तो इधर गुना किए हैं तो 5 से क्या करना होगा, इधर भी गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अब पहले सीरा कितना था, 5, अभी भी सीरा कितना है, 5, कोई बदलाव नहीं। हाँ, पहले पानी कितना था, अब पानी कितना, 5, बदलाव हो गया। तो बदलाव कितना में हुआ है, 2 में। अब मैं बैलेंस कर लिया, तुलना करना चाहता हूँ, तुलना किससे होगा, नीचे वाला से। क्यों, क्योंकि फर्क तो वही पता चलेगा कि बढ़ा है तो भी वही पता चलेगा और घटा है तो भी वही पता चलेगा। तो अब बताइए बदलाव कितना रेशियो में हुआ है, 2। कितना में, 10 में। तो भाग का मतलब यह ना होता है कितना बदलाव हुआ, 2, कितना में, 10 में। देखिए तो काट के 1/5। अब इसका मीनिंग निकलेगा कि 1/5 मिश्रण निकाल करके 1/5 पानी डाल देने पर सीरा और पानी का मात्रा बराबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/5।